बाद भी गोपाल इटालिया को पछतावा नहीं है। स्मृति ईरानी के हमले पर इटालिया ने जवाब दिया है। बीजेपी के मंत्रियों को काम नहीं है, ये गोपाल इटालिया का कहना है। बयान के बाद गोपाल इटालिया को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और स्मृति ईरानी ने जब अटैक किया, जब हमला किया गोपाल इटालिया की, तमाम जो बातें कही गई थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से घेरा, उसके बाद गोपाल इटालिया का यह बयान सामने आता है कि बीजेपी के मंत्रियों को कोई काम नहीं है, यानी कोई काम नहीं है इसीलिए इस तरह के मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर स्मृति ईरानी जो है वो गुस्से में नजर आ रही थी और चुनौती दी है एक गुजराती होते हुए कि किस तरीके से गुजरातवासी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी को देखिए किस तरीके से गुजरात की जनता न्याय देगी और गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में ध्वस्त करेगी। उसके बाद गोपाल इटालिया का ये बयान जब सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कल जो NCW में उनकी पेशी हुई थी, समन जारी हुआ था और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बातें रखी, उस बात का पछतावा गोपाल इटालिया को नहीं है। क्या कुछ कहा गोपाल इटालिया ने सुनवाते हैं जरा। કોઈ કામ ધંધો નથી સિવાય કે ગોપાલ ઇટાલિયાના નામની માળા ફેરવી। ગોપાલ કોણ છે? એક સાધારણ પરિવારમાંથી આવતો એક સાવ સામાન્ય યુવાન છે, કંઈ છે જ નહીં। 6 કરોડ ગુજરાતીઓ મહાન છે, મોટા છે। આજે 6 કરોડ જનતા વિશે એમણે શું કર્યું અને હવે શું કરવા માગે છે એ બતાવવાના બદલે 10 વર્ષ પહેલા, 7 વર્ષ પહેલા કોઈ શું બોલ્યું હતું, શું નહોતું બોલ્યું એની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। વાત જ્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારના મારા કે કોઈના વિડીયો વિશે હોય તો ભૂતકાળમાં કોઈએ કશું જ બોલવામાં બાકી નથી રાખ્યું। ભાજપવાળાએ કંઈ ઓછું નથી બોલ્યા। તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી વિશે, તત્કાલીન કોંગ્રેસના માનની મહિલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષા વિશે દુનિયાભરની ગાળો મુખ્યમંત્રી કક્ષાએથી બોલાય છે। એટલે આજે શા માટે મારું જ ખોદી ખોદીને, જાણે કે પુરાતત્વ વિભાગે ખોદકામ ચાલુ કર્યું હોય એમ ખોદી ખોદીને વસ્તુ લઈ આવે છે। એ બતાવે છે કે અમને નફરત છે ગોપાલ ઇટાલિયાથી, પાટીદાર સમાજથી નફરત છે અને નફરતમાં એટલા બધા આંધળા બની ગયા છે, એટલા બધા નીચે ઉતરી ચૂક્યા છે કે આજનું છોડીને 10 વર્ષ પહેલાંનું ભૂતી રહ્યા છે। ગુજરાતની જનતા તમાશો જોઈ રહી છે। ગુજરાતના લોકો આ વખતે એક નવા વિકલ્પને પસંદ કરીને દિલમાં જગ્યા આપી ચૂક્યા છે। આ બધા જ ગતકડા જે લોકો કરી રહ્યા, और बीजेपी के नेता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे? गोपाल इटालिया तो कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के पास काम नहीं है। आज स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को कि जो कुछ गोपाल इटालिया ने कहा वो जरा गुजरात आकर उस जनता के सामने कहकर दिखाएं, हिम्मत है तो, अब इस पर कहना है गोपाल इटालिया का कि कुछ काम नहीं है मंत्रियों के पास। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, उनको बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जी अगर गोपाल इटालिया अस्पताल की भाषा उनकी माता जी के बारे में उपयोग करें, क्या उसको पार्टी में रखेंगे क्या? क्या ये किसी भी सभ्य समाज के अंदर ये मान्य होगा कि किसी भी माता जी के खिलाफ, किसी की माता के खिलाफ, किसी की माँ के लेकर इस प्रकार के अपशब्द, वो भी प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर इस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल करना दिखाता है कि किस प्रकार की गटर की राजनीति पे उतर आए ये लोग। इससे ज्यादा घटिया राजनीति हो नहीं सकती। राजनीति में हमेशा कभी भी ये नहीं हुआ कि कभी व्यक्ति विशेष पे कभी टिप्पणी की हो, कभी व्यक्ति विशेष के परिवार पर टिप्पणी हुई। ये पहली बार हो रहा है कि राजनीति में नए प्रकार की राजनीति, कटर की राजनीति हो रही है और अरविंद केजरीवाल इसी प्रकार की राजनीति के लिए नोन है, इसी प्रकार की राजनीति के लिए जाने जाते हैं वो। और निरंतर जब वो मुख्यमंत्री के नाते से भी बोलते थे तो प्रधानमंत्री जी को लेकर अपशब्द बोलते थे और अब उनके जो गुर्गे हैं वो भी इसी प्रकार की, उनके जो खास लोग हैं वो भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन चुप्पी करके और ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन देते नजर आ रहे हैं गोपाल इटालिया को। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।